तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सनी देओल साहब एक इवेंट पे गए हुए थे, मतलब यार कुछ एक इवेंट था, आई थिंक शायद ट्रेलर का ही एक इवेंट था, जो कि आई थिंक लास्ट इवेंट की वो वीडियोस आ रही हैं। अब दोस्तों, वहां पे बहुत सारे मीडिया के बंदे थे, बहुत सारे लोग थे, किसी ने पूछा तो सनी देओल साहब ने पाकिस्तान और इंडिया के रिश्तों को लेकर क्या बोला, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई गदर 2 का प्रमोशन काफ़ी ग्रैंड लेवल पे और काफ़ी मतलब इंटरनेट लेवल पे तो हो ही रहा है, लेकिन टीवी लेवल पे भी भाई साहब इन लोगों ने शुरू कर दिया है। मतलब कपिल शर्मा शो में जाकर तो सब लोगों को बता ही दिया है कि भाई हम लोग तो अपनी गदर 2 लेकर आ रहे हैं। लेकिन भाई कल मेरे पास एक पोस्टर आया जिसमें ये वाला, जिसमें मैंने ये देखा कि US कनाडा एंड एक शहर का और नाम लिखा है दोस्तों, तो उसमें ये भी लिखा है कि तैयार हो जाओ इस तरीके का। आप पूरा पोस्टर पढ़ लीजिए आराम से। तो इस पोस्टर के बाद दोस्तों रात में 8 बजे मैत्री टीवी सीरियल आता है, उस पर गदर 2 का एक सॉन्ग चला खैरियत। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन इन लोगों ने टीवी लेवल पे तो स्टार्ट कर ही दिया है और अपना इन्होंने दबदबा स्टार्ट कर दिया है कि किस तरीके से हम लोगों को करना है और हमें किस तरीके से हाइप बना के रखनी है। अभी क्या है, देखो हर तरफ इनकी हाइप बनी हुई है, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, गूगल तक में और IMDB तक में आप लोग मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी को जाके सर्च करेंगे IMDB पे तो सबसे ऊपर गदर 2 ही दिख रही है, उसके बाद जवान है, फिर उसके बाद जेलर है। आई थिंक गदर 2 36 पॉइंट कुछ आ रहा है, हो सकता है जब आप देखें तो आई थिंक वो बढ़ जाए। तो गदर 2 ने अपनी हाइप कसम से बना रखी है, बहुत ज़बरदस्त बना रखी है। लेकिन दोस्तों, गदर 2 के ट्रेलर में, के लॉन्च में जो सनी देओल साहब ने जो बात कही वो काफ़ी लोगों को बुरी लगी और लोगों ने उनको ट्विटर पे उनकी क्लास लेनी शुरू कर दी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ सनी देओल साहब ने क्या कहा। सनी देओल साहब ने कहा, कुछ ले जाने या लेने देने की बात नहीं होती, बात होती है इंसानियत की, झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है, ये सियासी खेल होता है जो सब नफरतों को चुकाना पड़ता है और वो ही आप देखेंगे इस फिल्म में। जनता नहीं जानती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़ा करें, आखिर है तो सब एक ही मिट्टी से बने हुए। जिसके बाद दोस्तों ट्विटर पे यूज़र्स ने इन लोगों की क्लास लगा दी कि आपने सनी देओल साहब ये क्या कहा और ऐसा आपने कैसे बोल दिया, आप एक BJP के सांसद हैं और भाई क्लियरली ट्विटर पे जाके सनी देओल साहब की क्लास लगा दी। लेकिन उससे फिल्म को तो कोई, देखो मुझे नहीं लगता कोई दबाव होगा, फिल्म को कोई नुकसान होगा वगैरह वगैरह। मूवी की हाइप अभी बनी हुई है भाई, हर 2-3 घंटे में ट्विटर पे गदर 2 ट्रेंड करने लग जाता है, कोई भी कभी भी इनके ट्वीट स्टार्ट हो जाते हैं जो कि 14-15 हज़ार पे जाके ट्रेंडिंग बना देते हैं। तो मज़ा अलग है यार, गदर 2 का मज़ा अलग है। गदर 2 भाई देखो, आप लोगों को फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो जाना ही चाहिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जाओ मूवी देखो फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और जो भी बंदा इसके पास मतलब टिकट के पैसे नहीं है भाई, उसे टिकट दिलाओ और मूवी दिखाओ, समझ। तो इसी तरीके से भाई मूवी को मतलब प्रमोट करो ताकि मूवी जो है भाई 400-500 करोड़ तो करे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मूवी भाई 1000 करोड़ भी करे, लेकिन कैसे करेगी जब तक आप और हम नहीं चाहेंगे। तो आज से फैसला करो कि भाई गदर 2 को हिट कराना है, 1000 करोड़ कराना। तो क्या सोचते हो आप लोग, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। और भाई साहब, हर आदमी को अगर जो भी सनी देओल साहब से प्यार करता है नीचे कमेंट ज़रूर करे, नीचे कमेंट आप ज़रूर करना, वीडियो पे आए हो तो कमेंट ज़रूर करना, तो मैं देखूंगा आज कितने लोग कमेंट करते। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।